हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आइए, आज आपको बताने जा रहे हैं एक और बड़ी खबर रेलवे की। रेलवे जो आपको पता है, पिछले महीने ही जस्ट उन्होंने जो है कि लगभग ALP और टेक्नीशियन की लगभग 25-26 हज़ार बहाली निकाली थी। और उसके बाद एक और बहुत ही गुड न्यूज़, फाइनली रेलवे ग्रुप डी का लगभग 62,000 वैकेंसी जो है आपके सामने है। फाइनली मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैं आपको बताया था, यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको उस दिन बताया था, देखिए यहाँ पर बताया था कि 62,907 बहाली आएगी। उसमें सिर्फ ये बताया था, कुछ जानकारी आई थी सिर्फ उसके बारे में बताया था, लेकिन आज एकदम उसी के अनुसार जो मैंने प्रूफ दिया था उसी के अनुसार जो है कि वीडियो आज 10 तारीख को वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी है। आप किसी की भी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एडवर्टीजमेंट का, उसको ध्यान से पढ़िएगा। और आइए अब हम लोग एक एक करके एडवर्टीजमेंट को देख लेते हैं। ये देखिए, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल वन ऑफ 7th CPC ऑफ पे मैट्रिक्स, ये रहा आपका स्टार्टिंग। यहां से देख लीजिए, सबसे पहले देख लेते हैं ये पब्लिकेशन। जैसे मैंने पिछले डेट बताया था, ये 10 फरवरी को रिलीज हो जाएगा, तो ये 10 फरवरी को रिलीज हो चुका है। और इसका डेट ऑफ टाइम क्लोजिंग कब है, आज से इसका चालू हो जाएगा। इसका क्लोजिंग होगा 12 मार्च तक, ये ऑनलाइन फॉर्म भराएगा 12 मार्च 2018 तक, ठीक है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा अप्रैल और मई में, लगभग उस एग्जाम का भी अप्रैल में ही दिया है और ग्रुप डी का भी जो है कि अप्रैल में ही इसका जो कि एग्जाम दिया गया है। तो देखते हैं कैसे एग्जाम होता है, वो आगे पीछे करके जैसा भी हो। उसके बाद देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इनवाइट्स, इसका पे लेवल है 1 of 7th, और ये सिर्फ ऑनलाइन ऑनलाइन ही इसका फॉर्म फिलअप होगा, आप इसको ऑफलाइन जो है कि नहीं फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ध्यान से देखिए। देखिए फॉर्म भरने से पहले ध्यान से देखिए, क्योंकि आजकल जो है कि बहुत सारा चेंजेज आ गया है। पहले वाला बात नहीं है कि सीधे सिर्फ इतना इतना, अभी जो भी फॉर्म आ रहा है उसमें बहुत ही बारीकी चीजें हैं जो कि चेंज किया गया है या उसमें कुछ नयापन लाया गया है। तो आप जो कि फॉर्म को एकदम केयरफुल्ली पढ़िए, ये मेरा आपके मेरा एडवाइस है आप लोगों के लिए, पूरा पढ़िए और एक एक चीज चेक कीजिए कि क्या सही है नहीं है, तभी फॉर्म के लिए आप आगे बढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहला कंडीशन जो इसका दे दिया गया है कि कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर रिजल्ट्स ऑफ प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई, मतलब जिनका रिजल्ट अभी वेटिंग में है वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जैसे किसी का मान के चले कि ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, किसी का जो है कि इंटरमीडिएट कंप्लीट नहीं हुआ है, किसी का जो है कि बहुत सा चीज है जो कंप्लीट नहीं होता है। कोई आदमी ITI कर रहे होते हैं, उनका फर्स्ट ईयर ही होता है, किन्हीं का सेकेंड ईयर ही होता है, कोई कोई मतलब सीधा सीधी इसका कहने का मतलब कि अपियरिंग जो है कि नहीं चलेगा। अगर आप अपियरिंग में हैं, कोई भी डिग्री कोर्स कर रहे हैं, तो आपको उसमें अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा साफ साफ लिखा गया। आप ये मत पूछिए कि मैं पार्ट 1 में हूँ, मेरा रिजल्ट अभी नहीं आया है, अभी रिजल्ट आने में टाइम है, तो इन सभी चीजों से आप जो है कि कट लीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं कि एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू RRB साइट्स ओनली लिस्टेड एट जितना है, मतलब जो भी जिस RRB में आपको डालना है उस RRB के लिए इस वेबसाइट पर उसके ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना है। उसके बाद लिखा गया है कि एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर ओनली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपना डिटेल्स देंगे उसी के आधार पर जो है कि आपको एलिजिबल माना जाएगा। अगर आपने किसी भी अपने इंफॉर्मेशन के साथ साथ छेड़छाड़ किया तो आपको जो है कि वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ऐसा साफ साफ इंस्ट्रक्शन है। आप जो इंफॉर्मेशन दे वो एकदम पक्का दे, एकदम लॉजिकल दे, ताकि जो है कि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और आने वाले समय में किसी स्टेज में आपको भी दिक्कत ना हो, ठीक है। द सिलेक्शन ऑफ RRB वंस एक्सरसाइज शैल बी फाइनल, आपने जो भी RRB को एक बार चुन लिया, जो भी RRB में एक बार सब जो फॉलोअप कर लिया वही कन्फर्म रहेगा, उसमें किसी प्रकार की तब्दीली नहीं की जाएगी, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद स्केल ऑफ पे, जानते हैं 7th CPC में ग्रेड पे खत्म कर दिया गया, आप लोगों को पता ही होगा 7th CPC के बाद ग्रेड पे खत्म होके ये पे मैट्रिक्स आ गया। देखिए पे मैट्रिक्स है जिसका कि स्टार्टिंग ही है 18,000, यानी पहले 1,800 ग्रेड पे होता था, अब पे स्केल जो होता है वो 18,000 पे स्केल स्टार्ट होता है, ठीक है। एज का इशू है,
एज के लिए यहाँ देखिए काफी इशू चल रहा था कि कितना होगा नहीं होगा, तो इस बार जो है कि यहाँ पर एज इशू जो है 18 से 31 साल कर दिया गया है, जैसा कि एएलपी में जो 27 28 ही रखा गया, लेकिन इसमें जो है कि आपको जो है कि 18 से 31 कर दिया गया, और इसका जो है कि डिटरमाइन किया जाएगा 1 जुलाई 2018 तक का आपको डिटरमाइन किया जाएगा। तो आगे इसके रिगार्डिंग कुछ और न्यूज है देख लेंगे। स्टेज ऑफ एग्जाम दिया है, स्टेज ऑफ एग्जाम है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ठीक है, उसके बाद क्वालिफाइड जो करेंगे कंप्यूटर बेस्ड में उनको जो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और फिर उसके बाद जो है कि मार्क्स जो आपके दिए जाएंगे वो नॉर्मलाइज करके चले दिए जाएंगे। आपको पता है नॉर्मलाइजेशन अभी एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, अभी एसएससी में देखिए उसको लेकर काफी केस केस उस चल रहा है, काफी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इसने साफ साफ क्लियर कर दिया कि जो मार्क्स आपको दिए जाएंगे वो नॉर्मलाइज किए जाएंगे, और इसके मुताबिक सिर्फ एक एग्जाम है, उसके बाद आपका पीईटी होगा यानी फिजिकल होगा, और फिर उसका वेरिफिकेशन वगैरह, उसके बारे में भी आगे हम देख लेंगे। निगेटिव मार्क 1/3 रखा गया है, जैसा कि रेलवे में ही चलता है, 1/3 रेलवे में ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पर भी 1/3 इस वैकेंसी में रखा गया है। उसके बाद देखिए एक और इंफॉर्मेशन है, इसको ध्यान से रखिएगा कि जो मोबाइल और नंबर और ईमेल आईडी आप दे रहे हैं उसको आप बरकरार रखिएगा, क्योंकि वही जो है उसी के थ्रू जो है आपको पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपको जो है कि इंटरटेन किया जाएगा, सारा चीज उसी एड्रेस पे, सारा मोबाइल नंबर ये सब जो भी आपका होगा प्रोसेस उसी के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाएगा, आपको चेंज मत कीजिएगा, ये ऐसा साफ साफ लिखा है, जो आपका परमानेंट नंबर हो वही दीजिएगा। उसके बाद है जनरल इंस्ट्रक्शन सब दिया हुआ है, उसके बाद देखिए यहाँ फिर से दिया है कि दोज अवेटिंग रिजल्ट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रेस्क्राइब कॉलेज आर नॉट एलिजिबल एंड हेंस शुड नॉट अप्लाई, मतलब कि साफ है जिनका रिजल्ट वेटिंग में है, अपियरिंग में है, वो जो है कि इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसको फिर से इन्होंने बता दिया गया। और दिया कैंडिडेट शुड इंटर फादर्स नेम, नेम, डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड एसएलसी, मतलब जो आपका मैट्रिकुलेशन में और जो दिया हुआ है उसको ही, या जो भी मतलब आप सर्टिफिकेट में आपका डाला हुआ है नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, उसी को जो है कि आप जो है कि फॉर्म में भी इसको अप्लाई करिएगा, ठीक है, ये फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए दिया हुआ है, और इसको डेट्स वगैरह दिया है कैसे कैसे डेट्स है। उसके बाद देख लेते हैं कि वैकेंसीज कितनी है, ये रहा आपका वैकेंसी का चार्ट, यहाँ से आप देख सकते हैं वैकेंसी वैकेंसी जो आपको यहाँ टोटल अहमदाबाद में 6,000 समथिंग है, उसके बाद फिर यहाँ 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 फिर यहाँ, और सबसे ज्यादा आपको है सिकंदराबाद रीजन में, सिकंदराबाद रीजन में आप देख सकते हैं लगभग 6,523 यानी 6,523 है टोटल, जो आपको बताया था 62,907 उतना ही टोटल वैकेंसीज है। और फिर उसके बाद है अहमदाबाद है, फिर यहाँ आपको अजमेर में भी है, इलाहाबाद में भी है, फिर उसके बाद आपको गोरखपुर वगैरह में भी है, तो इसके बारे में हम और डिटेल्स में बताएंगे किसी अन्य वीडियो में कि किसमें कहाँ अच्छा रहेगा फॉर्म भरना। वैसे एक चीज आपको बता दें कि जहाँ ज्यादा वैकेंसीज दिख रहा हो वहाँ मत फॉर्म भरिए, क्योंकि सभी लोग वहाँ चल जाते हैं, जिसके कारण जो है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा चल जाता है, तो इसके बारे में हम और आपको बताएंगे किसी अन्य वीडियो में, एक और वीडियो में, अन्य बात में हम इसको दिखाएंगे। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड है, मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या है, A2, B1, B2, C1, वो ये सब जो है कि आपका फिटनेस टेस्ट है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा कितना कितना कितना, ये सारा आप चेक करवा के एक बार जो है कि आप देख सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए एज लिमिट, हाँ उसमें बता रहा था एज लिमिट जो है 18 से 31 साल किया गया है, 1 जुलाई 2018 तक आपको इसका रिकॉग्नाइज किया जाएगा। SC ST को 5 साल रिलैक्सेशन छूट मिलेगा, और OBC को 3 साल, जो कि हर वैकेंसीज में इसको जो है कि गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। उसके बाद देख लीजिए क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बहुत ज्यादा इशू आ रहा है, तो पहले इसको देख लीजिए कि अन्य वीडियो में भी इसको और क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दो अवेटिंग रिजल्ट्स और फाइनल एग्जामिनेशन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई, इसको पहले भी बताया गया, उसका डिप्लोमा डिग्री इंजीनियर विल नॉट एक्सेप्टेड इन लियू ऑफ, ये बदले कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस आईटी आल्सो और ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन लियू ऑफ कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिस, इसको मैं और थोड़ा डिटेल्स में आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद देख लीजिए क्या है कि ₹500 आपको जो है कि ओबीसी जनरल के लिए दिया जाएगा, जो भी कैंडिडेट होंगे उसका, SC ST एक्स सर्विस SPW फीमेल के लिए 250 250 यहाँ पर इसको दिया गया है, और जनरल के लिए है 500, ठीक है।
उसके मोड्स ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही रहेगा। आप इसको पोस्ट ऑफिस के द्वारा, एसबीआई चालान के द्वारा जो है कि इसको डाल सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये सब देखिए दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ है, इसको देखिए अथवा ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्या क्या दिया है। और आगे देख लेते हैं क्या है। उसके बाद एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम के बारे में दिया गया। एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा वो 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन होगा, जो अभी तत्काल में वही शायद चल रहा था, अभी कुछ चेंज हुआ है। और इसमें एक ही एग्जाम है, इसमें दो एग्जाम नहीं है, एक ही एग्जाम है। और आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट्स दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको मैथमेटिक्स होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा, जनरल साइंस होगा और जनरल ऑन करेंट अफेयर्स, ये आपको पूछा जाएगा। उसके बाद फिजिकल टेस्ट है, इसको किसी और वीडियो में फिर से समझने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ थोड़ा देख लीजिए। फिजिकल इस बार जो है कि जो फिजिकल टेस्ट है उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। मतलब फिजिकल टेस्ट में अब जो है कि 35 केजी आपको उठा के भार चलना है 100 मीटर तक 2 मिनट में, ठीक है। 35 किलो 35 केजी वेट 100 मीटर्स इन 2 मिनट्स। और उसके अलावा जो है कि शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर्स इन 4 मिनट्स 15 सेकेंड, मतलब 1000 मीटर चलना है आपको 4 मिनट 15 सेकेंड में। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वो वजन 20 केजी होगा, 100 मीटर में 2 मिनट चलना है। और उसके बाद उनको भी रन करना है 1000 मीटर्स, उसके लिए 5 मिनट और 40 सेकेंड जो है कि उनको दिया गया है थोड़ा रिलैक्सेशन करके। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर कैसे फिल करना है ये सब है। और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ है जो कि हम एक और वीडियो इसके रिगार्डिंग बनाएंगे, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ क्लियर कोशिश करने का कोशिश करेंगे कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और तब तक जो है कि ये वीडियो है इतना ही रहेगा, और आगे हम कोई और डाउट हो कोई भी आपको, तो आप जो है कि कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।